नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। जैसा कि मित्रों हमने देख लिया है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ले पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, इतना हमने पढ़ लिया है। बाकी हमारे पास बचे हैं सिर्फ दो मेनू जिसको हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दोस्तों रिव्यू पे। किस बात करने वाले हैं? रिव्यू मेनू पे बात करने वाले। तो रिव्यू सबसे पहले क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। क्या दिया हुआ है? स्पेलिंग एंड ग्रामर दिया हुआ। सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने फॉन्ट को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि जो फॉन्ट है थोड़ा कम समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसकी, किसकी बात कर रहे हैं? मेलिंग की। मेलिंग हो गई है, रिव्यू की बात करते हैं। तो रिव्यू में सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि इसका स्पेलिंग एंड ग्रामर सही है या नहीं। अगर सही है तो वंस इग्नोर। देखिए यहाँ से रेड मार्क चला जाएगा दोस्तों, देखिए रेड मार्क चला जाएगा। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? हम लोग तुरंत यहाँ से इग्नोर आल कर देंगे, तो उसके बाद हमारा सारा जो है इग्नोर हो जाएगा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट जो है समझ जाएगा कि स्पेलिंग सही है या फिर ये नाउन है दोस्तों, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक नियम होता है कि उसको जो लगता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक नियम होता है, उसको जो लगता है कि गलत है उसके नीचे रेड मार्क लगा देता है, रेड लाइन कर देता है क्रॉस की, ठीक है। तो उससे क्या समझ में आता है कि गलत है या सही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रिसर्च। तो हम लोग रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ से इंटरनेट से कनेक्ट करके हम लोग कोई भी चीज़ आसानी से रिसर्च कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा? थीसिस आता है, जो हमारा ये आता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारा क्या, इंटरनेट से कनेक्ट करके हम लोग ये सारे ऑप्शंस को क्लियर कर सकते हैं। ऑल रेफरेंस बुक को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, जो भी बुक्स वगैरह हैं हम लोग यहाँ सर्च करके आराम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और हमारा बचता है एक ट्रांसलेट। क्या बचता है? ट्रांसलेट। अगर हम ट्रांसलेट की बात करें, किसकी बात करें? ट्रांसलेट की बात करें तो इंग्लिश टू हिंदी दिया हुआ है, इंग्लिश टू हिंदी दिया हुआ है। हम यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, आप लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ ऑनलाइन होता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन भी हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं। कैसे ट्रांसलेट करते हैं इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे, कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए लिख दिया क्या, माई नेम इज रत्नाकर, ठीक। हमने क्या लिख दिया? My name is रत्नाकर। Then हम क्या करेंगे? यहाँ से सर्च करेंगे, क्या करेंगे? सर्च करेंगे। अब देखिए क्या होगा, नीचे लिख के आ गया कि मेरा नाम रत्नाकर है। देखिए ट्रांसलेट हो गया कि नहीं हो गया? ट्रांसलेट हो गया। जो काम हम लोग गूगल में करते हैं वो काम माइक्रोसॉफ्ट में भी कर सकते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड में हम लोग कर सकते हैं, कोई भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें लिखना क्या हुआ, आई लव यू, देखिए आई लव यू लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सर्च करेंगे। जब हम सर्च करेंगे देखिए नीचे आ जाएगा, मुझे तुमसे प्यार है। आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग कोई भी चीज़ आसानी से अगर हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड है, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ आसानी से दोस्तों हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। सब कुछ हम लोगों के हाथ में होता है, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट ट्रिप्स होता है। अब ये कह रहा है किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, किस कंट्री में करना चाहते हैं, तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग सेलेक्ट लैंग्वेज कर सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है। तो ये सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे दी हुई हैं, कौन सी लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करना है वो ऑप्शन से यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन में देना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें वर्ड काउंट की, किसकी? वर्ड काउंट की बात करें तो वर्ड काउंट का मतलब क्या होता है कि ये बता देगा आपको जो है कि कितने वर्ड्स, कितने पैराग्राफ्स, कितने पेजेस, करेक्टर नो स्पेस, करेक्टर विथ स्पेस, ठीक है, पैराग्राफ्स लाइन। इसका एक शॉर्टकट की होता है दोस्तों, जानते हैं क्या होता है? इसकी एक शॉर्टकट की होता है दोस्तों, वो होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है दोस्तों, आप लोग जान लीजिए जल्दी, आप लोगों को कोई नहीं बताएगा ना कहीं मिलने वाली है। तो आप लोगों को वर्ड काउंट करने के लिए, यानी कि आप लोग जब भी कभी स्पीड नापते होंगे, अपना टाइपिंग का स्पीड नापते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है दोस्तों। तो आप लोगों को वर्ड काउंट, स्पेस, विदाउट स्पेस, हम लोग वर्ड्स, लाइन, पैराग्राफ्स को अगर काउंट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, सी टी आर एल प्लस शिफ्ट प्लस जी,
देखिए हमने कर दिया यहाँ पे, ये देख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए इसको ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, हम इसको थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं। सी टी आर एल होगा यहाँ, ए टी आर एल हो गया भाई। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी हमारा क्या है, शॉर्टकट की है वर्ड काउंट का। हम लोग कोई भी चीज़ आराम से काउंट कर सकते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करें हम न्यू कमेंट की, किसकी बात करते हैं, न्यू कमेंट की बात करते हैं अगर, तो न्यू कमेंट भी हम आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। हमें जैसे कि इस पे कमेंट, जी पे कमेंट देना है कि रॉन्ग, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रॉन्ग पे क्लिक करके हम लोग आराम से क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। हम लोग कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, न्यू कमेंट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, क्या किया, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट कर दिया, लीजिए देखिए डिलीट हो गया। प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं हम लोग कि प्रीवियस कमेंट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट कमेंट कौन सा है। तो हम लोग जितने भी कमेंट्स देंगे हम लोग क्या करेंगे, उस पे आसानी से इधर उधर जा सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें ट्रैक चेंज की, किसकी बात करें, ट्रैक चेंज रास्ता है बदलने की, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी ट्रैक चेंज कर सकते हैं भाई, कोई भी रास्ता हम लोग यहाँ से बदल सकते हैं। ये देखिए हमारे ऑप्शंस हैं, हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं, मूव्ड इधर उधर कर सकते हैं, हम लोग डेलीगेशन इंटरेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास क्लियर हैं, ध्यान रखिएगा, बस आप लोगों को यूज करना आना चाहिए। किसी को कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बैलून्स हैं, क्या है, बैलून्स हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बैलून्स देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ क्या करा, सो रिविजन इन बैलून्स, तो ये क्या हमारा जो ये पूरा एक बैलून्स का शेप होता है जिससे हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये फाइनल मार्कअप होता है जो फाइनल रो से दिखा रहा है, सो मार्कअप, कमेंट, इंक, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। रिव्यू पैनल इधर साइड में दे देगा कि आपका क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये साइड में एक पेज ओपन करके बता देगा दोस्तों कि किसमें कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को ये दे देगा दोस्तों। उसके बाद की अगर हम बात करें एक्सेप्ट और रिजेक्ट की, तो ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा, देखिए गायब हो गया ना। और हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से रिजेक्ट भी कर दिया, देखिए ठीक है, तो भी गायब। प्रीवियस, नेक्स्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास वर्ड को क्लियर करने के लिए। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज का कंपेयर करना, कंबाइन करना, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करें ताकि हमारा कोई फोल्डर ओपन ना करे, ओपन करे तो यूज ना कर पाए, उसमें कुछ भी एडिटिंग ना कर पाए। ये जो है हम अपने कंप्यूटर में कैसे देंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की बात करें तो हम लोग रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग होता है, क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग होता है, तो उसकी अगर हम बात कर लें तो हम लोग प्रोटेक्ट का अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद यस स्टार्ट प्रोटेक्शन, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक बार फिर से देखिए आप, हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसका पासवर्ड हम लोग डालेंगे 1 2 3 4 5, ठीक, फिर इसमें भी डालेंगे 1 2 3 4 5, हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे। अब हम लोग ओके कर दिया, इसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हम लोग, देखिए कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा ये फाइल सेव हो चुका है। इसमें अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन, यहाँ डालेंगे 1 2 3 4 5, जब हम लोग यहाँ ओके करेंगे तो यहाँ हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि प्रोटेक्शन भी हम लोग एमएस वर्ड में दे सकते हैं, कोई भी पासवर्ड हम लोग सेट कर सकते हैं दोस्तों, ये भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, ध्यान रखिएगा। आप लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए, मज़ा आने वाला है, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो ये होता है हमारा व्यू, क्या है, व्यू। अब हम लोग बात कर रहे हैं व्यू ऑप्शन में, किस में पहुंच गए हैं, व्यू में पहुंच गए। अगर हम व्यू की बात करें तो प्रिंट लेआउट,
अब ये प्रिंट लेआउट की बात करें तो ये बताएगा कि इसका जो लेआउट है उसको प्रिंट कैसे होगा, ये सारे सिस्टम्स हैं। प्रिंट लेआउट हमें बता देगा कि हम लोग प्रिंट लेआउट कैसे करेंगे दोस्तों। उसके बाद की बात करें, फुल स्क्रीन होता है, क्या होता है फुल स्क्रीन। अब इससे क्या होगा, हमारा पूरा पेज फुल स्क्रीन हो जाएगा। फुल स्क्रीन मतलब होता है कि पूरे कंप्यूटर पे जो है दोस्तों ये फुल स्क्रीन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास व्यू ऑप्शन होते हैं और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन होता है, तो हम क्लोज कर देंगे, उसके बाद अपने पेज पहुंच जाएंगे। अब हमारा वेब पेज कैसे कनेक्ट होता है, वेब पेज कैसे दिखता है उसकी बात करें तो ये यहाँ पे जाएंगे तो वेब पेज बताएगा कि वेब पेज ऐसे होता है, ऐसे कनेक्ट करते हैं, ऐसे यूज होता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, प्रिंट लेआउट है, फुल स्क्रीन रीडिंग है, वेब लेआउट है, आउटलाइन भी है हमारे पास। क्या है हमारे पास, आउटलाइन है, हम लोग आउटलाइन भी दे सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, आउटलाइन भी हम लोग दे सकते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस क्लियर हैं, ध्यान रखिएगा आप। यहाँ से हम लोग आउटलाइन देखेंगे, ड्राफ्ट भी बना सकते हैं, हम लोग सेव कर लेंगे, बाद में उसको सेंड करेंगे, बाद में यूज़ करेंगे, कुछ दिनों के बाद उसे यूज़ करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसके साथ क्या बिहेव करते हैं, कि डिलीट करते हैं, कि यूज़ करते हैं, कि गड़बड़ हो गया है, कि सही हो गया है, क्या हुआ है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें, थोड़ा सा और आगे अगर चले तो हमारा रूलर है, यहाँ से हम रूलर हटा देंगे, देखिए हमारा रूलर बार यहाँ से गायब हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, देखिए ध्यान से, रूलर बार हमारा यहाँ से गायब हो जा रहा है, जब हम क्लिक कर रहे हैं रूलर बार गायब। अगर हम बात करें ग्रिड लाइन की, तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे ग्रिड लाइन आ जाएंगे, अगर हटाएंगे तो यहाँ से ग्रिड लाइन गायब। कभी कभी ये आप लोग बाई मिस्टेक कर देते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो इसके अंदर लिखाता है ना, कुछ भी किसके अंदर लिखाता है, इसके अंदर लिखाता रहेगा इसी तरीके से। तो आपको कहाँ जाना है, व्यू ऑप्शन में जाना है, हाइड एंड शो में, ग्रिड लाइन में, ठीक है। तो हम यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देते हैं। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा डॉक्यूमेंट मैप का, कौन सा ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट मैप का ऑप्शन आता है। डॉक्यूमेंट मैप की बात करें तो हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक एक डॉक्यूमेंट मैप दे देगा, एक छोटा सा मैप दे देगा कि हम लोग क्या करेंगे, मैप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें थंबनेल की, तो हमारे पास ये साइड में थंबनेल दे सकता है, जैसे हमारे यूट्यूब वीडियोज़ में आगे फ्रंट में थंबनेल होता है ना, वैसे ही इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी थंबनेल का एक जो है प्रोसीजर होता है, वो साइड में शो करेगा कि ये आपका थंबनेल शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारा जूम है, क्या है, जूम कर सकते हैं हम लोग विथ टेक्स्ट, विदाउट टेक्स्ट, पेज विथ, तो हम लोग सारी चीज को जूम कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमारा क्या है, 100%, अब हमें पेज को 100% एक्चुअल पेज में करना है, तो हम लोग 100% पे क्लिक करना होगा, और हम लोग क्या करेंगे, 100% पे क्लिक करने के बाद आसानी से उस पेज को 100% कर देंगे, ठीक है। वन पेज, जैसे मान लीजिए हमारे पेजेस जो है डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, हम लोग यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कुछ पेजेस बढ़ा दिए हैं इसमें, तो अब हमारे पास काफ़ी सारे पेजेस हो गए हैं। हम रिव्यू में जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, हम लोग कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, वन पेज का देख रहे हैं ना, हम लोग वन का पेज का देख रहे हैं, तो वन पेज पे चलते हैं। अगर हम लोग वन पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स एक पेज में ही शो करेगा, कितने में शो करेगा, एक पेज में शो करेगा। लेकिन अगर हम टू पेजेस में करते हैं तो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स दो पेज में शो करेंगे स्क्रीन पे, देखिए शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शो कर रहा है ना। तो आप लोग बस ये समझिए, सीधा सा फंडा है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम कौन से ऑप्शन में जाएं, एक पेज, दो पेज, पेज वेड की बात करें, देखिए हम वेड पे क्लिक करेंगे तो वेड में आपको दिखाएगा, राइट में क्लिक करेंगे तो राइट में दिखाएगा, तो हम यहाँ से न्यू विंडो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये फील हो गया है, पेजेस फील हो गया, हमें इसमें कुछ और बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो हम न्यू विंडोज में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और उस विंडो को छोड़ के यही डॉक्यूमेंट उठा के हम दूसरे विंडो में आ जाएंगे। आ गए आसानी से, आ गए, देखिए आ गए हैं भाई, देखिए ये भी विंडो वही है और ये भी विंडो वही है, हो गई ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आराम से दूसरा विंडो ले सकते हैं, और अरेंज ऑल, जितने भी विंडो हमारे खुले हुए हैं सबको अगर अरेंज करना हो तो अरेंज ऑल का हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, ध्यान सुनिए हमारी बात,
कितने भी विंडो हमारे खुले हुए हों, सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से अरेंज कर सकते हैं, अरेंज आल कर सकते हैं। ठीक, रिमूव स्प्लिट की बात देखिए, अरेंज आल को हम देखते हैं। देखिए हमारे तीन विंडोज खुले हुए हैं, तीनों विंडोज सामने दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं ना। तो अब सीधा सा फंडा आप समझिए कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से जो है हम लोग सारे विंडोज़ को ले सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसकी बात कर रिमूव स्प्लिट की, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्प्लिट को रिमूव कर सकते हैं। देखिए रिमूव कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमें रिमूव करना है, इस पेज को ख़त्म करना है, स्प्लिट करना है, तो हम यहाँ से इस पेज को काट देंगे। कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, तो हम लोग जब हमें कहीं से पेज अगर काटना हो, पेज अगर बनाना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम आगे की बात करें तो ये है व्यू साइड बाय साइड, तो हम लोग यहाँ से व्यू साइड बाय साइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद की बात करें स्विच विंडोज़, अब एक दो तीन जितने खुले हुए हैं, हम लोग किसी में भी यहाँ से जा सकते हैं, कूद सकते हैं, देखिए जो चाहे उस विंडो को हम लोग आसानी से ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद एक आता है हमारा माइक्रोज़, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कभी कभी आप जब लिखते हैं तो आप लोगों को मन करता है कि हम खुद से अपनी एक शॉर्टकट की बनाएं, उसमें कुछ मैटर लिखें, उसको मैटर को जाने, वो शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद उतने मैटर हमारे आ जाते, तो वही माइक्रोज का काम करता है दोस्तों। जैसे व्यू माइक्रोज में हम लोग चले गए, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम एडिट कर लेते हैं, एडिट की बात छोड़िए, हम लोग नया बना लेते हैं। चलिए माइक्रोज में गए हम लोग, यहाँ पे गए और रिकॉर्ड माइक्रो चलते हैं, माइक्रो के नाम से नहीं, हम लोग 1 2 3 4 के नाम से सेव करते हैं, कीबोर्ड द्वारा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, कीबोर्ड द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कीबोर्ड द्वारा हम लोग इसको करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग बात को समझिएगा, हमारे यहाँ पे कीबोर्ड द्वारा गए हम लोग, यहाँ पे शॉर्टकट की डालेंगे। तो क्या शॉर्टकट की हम डालें बताइए, क्या डालें, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस वी, क्या है, नहीं ये गड़बड़ हो गया, हम थोड़ा अच्छा सा शॉर्टकट की डालते हैं, कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया ये, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट प्लस वी। ठीक है, क्या है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस बी, इतना हम लोग डाल के असाइन करके क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखना शुरू करते हैं कुछ भी, देखिए लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं हम लोग यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, फाउस रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। हम आगे की अगर बात करें इसमें, तो माइक्रोज में जाते हैं और हम क्या किए थे, कौन सा चलाए थे अभी, माइक्रोज वन था हमारा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ भी प्रेस कर देते हैं, देखिए कंट्रोल अल्ट शिफ्ट प्लस वी, देखिए उतने डॉक्यूमेंट आ गए कि नहीं आ गए। तो हम लोग जब भी अपना कोई भी कंट्रोल, कोई भी शॉर्टकट की जो हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, जो शॉर्टकट की हम लोग बनाना चाहते हैं, तो यही हमारे पास ऑप्शन होता है माइक्रोज में, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये है दोस्तों हमारे मेनू का लास्ट मेनू व्यू, अब मेनू हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम इस पे प्रोजेक्ट आप लोगों को कुछ बताएंगे, कुछ प्रोजेक्ट हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे बनाते हैं, पूरे हम लोग कैसे बनाते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग जानेंगे देखेंगे दोस्तों। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो एक बार शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, और हाँ प्रोजेक्ट का वेट करेंगे हम, प्रोजेक्ट आप लोगों को पूरा पढ़ाएंगे, एक एक प्रोजेक्ट आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों, और हमारा नमस्कार।